from the studio of South Asia Views. The National Conference on Friday broke its silence on the Kashmiri files, saying while the exodus of Kashmiri Pandits was a stain of Kashmiriyat, the movie was far from the truth, as the filmmakers have ignored the sacrifices of the Muslims and Sikhs who have also suffered from terrorism. Vice President of the party and former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, said that if the Kashmiri files was a commercial movie, no one would have an issue. But if the filmmakers claim it that it is based on reality, then the facts are the other way around. Mr. Abdullah wondered why this fact was kept away from the movie. वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये documentary है या क्या ये commercial film है? अगर ये documentary है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री. उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में. हकीकत ये है कि जब ये वाकये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहां से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी, और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी. बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहां से चले गए. तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले. तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है. और आपने सही कहा, यहां सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी. अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था. लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहां लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं. मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए. हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए. हमें इस बात का अफसोस है, और हम कहते हैं ना माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं. शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें. लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया. फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ साउथ एशिया व्यूज.